Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues over the main heading of primary education, this time I am going to discuss the problem of enrollment, retention and dropout in primary education. The lecture will be in bilingual mode and it will be useful to you for certain purposes for your objective examinations, subjective examinations, your general BA, MA and professional BEd, MEd courses. So first of all, problem of enrollment in primary education. Enrollment means namankan, retention means dharan or dropout means shala tyar. Matlab primary education ki problem kya hai ki ya to bachcha enroll nahi hota hai, matlab namankan nahi karata hai, padhne mein admission nahi leta hai. फिर अगर एडमिशन ले लेता है, इनरोल हो जाता है तो रिटेन नहीं रहता है सिस्टम में, मतलब कम से कम 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन की पढ़ाई नहीं पूरी करता है वो, और ड्रॉप आउट हो जाता है यानी कि पढ़ाई बीच में छोड़ देता है. तो ये प्रॉब्लम बहुत बहुत वर्षों से चली आ रही है और बहुत काम इस पर हुआ है और निश्चित रूप से हमने इसमें काफ़ी सुधार कर लिया है. स्टिल हमको जानना है कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसके रूट कॉजेज क्या हैं और इसको कैसे सुधारा जा सकता है. तो The flagship programs like समग्र शिक्षा, आपको पता होगा कि समग्र शिक्षा जो है उसने 3 programs को अपने अंदर समाहित किया हुआ है. कौन कौन से? सर्व शिक्षा अभियान SSA जो दो आया था 2000 में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन. यानी ये 3 प्रोग्राम को लेके समग्र शिक्षा बनाते हैं. समग्र शिक्षा पे फिर से कभी बात कर सकते हैं अलग से. समग्र शिक्षा इसलिए किया गया कि इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं है कि एक बार आप प्राइमरी की बात कीजिए, एक बार सेकेंडरी की बात कीजिए, वो बोले होलिस्टिक है, जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूटी में बात कीजिए. इसलिए समग्र कर दिया, उसको सबको समाहित कर लिया. सर्व शिक्षा अभियान को ले लिया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को ले लिया और टीचर एजुकेशन को भी ले लिया. एंड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इंक्लूडिंग मैनी अदर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट आर इन ऑपरेशन इन द कंट्री फॉर प्रोमोटिंग एक्सेस इनरोलमेंट एंड अचीवमेंट एक्सेट्रा इन एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ बेसिक एजुकेशन टू द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन. वो कह रहे हैं कि समग्र शिक्षा चल रहा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चल रहा है और ये सारा कुछ इसलिए चल रहा है कि हम शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक एक्सेस यानी कि बच्चे की पहुंच हो शिक्षा तक, वो उसमें नामांकन कराए और उसमें उपलब्धि हासिल करे, को प्राप्त कर सके या इसको बढ़ा सके. पर मेनली हम यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है. तो इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड एनरोलमेंट की बात अगर प्राइमरी एजुकेशन में की जाए, यानी कि क्या दिक्कत है कि बच्चे की पहुंच वहां तक नहीं है या बच्चा नामांकन नहीं कराता है, पेरेंट्स नामांकन नहीं कराते हैं बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन में, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इश्यूज क्या हो सकते हैं. लोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कहाँ पर स्थित है वो इंस्टीट्यूशन. अगर बच्चे की पहुँच से बहुत दूर है तो उसका एडमिशन कराने में हिचकते हैं पेरेंट्स. लेस नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं हैं ऐसी उनकी संख्या कम है, या पहुंच में भी है संख्या भी है तो क्या दिक्कत है. पुअर फैसिलिटी इन द इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं उसमें सुविधाएं प्रॉपर नहीं है. पुअर कंडीशन ऑफ द फैमिली, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो उसको ये बर्डन सब लगता है कि बच्चे का एडमिशन करा के उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसको भेजा जाए. कॉस्टली एजुकेशन, उनको लगता है कि शिक्षा जो है महंगी है क्योंकि हर किसी तक सरकारी शिक्षाएं सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. प्रेशर ऑफ डोमेस्टिक वर्क, कई बार माता पिता कामों में डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क या डोमेस्टिक दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं तो उनको लगता है कि जो बच्चा है वो उनकी हेल्प कर सकता है तो उसको डोमेस्टिक वर्क के प्रेशर से नहीं जाने देते स्कूल. या इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स, अशिक्षा है लोगों में और अभिभावकों में अभी भी इस अवेयरनेस का अभाव है कि बच्चे को पढ़ाना कितना ज़रूरी है. और सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, जैसे अभी तक कल्चरल नॉर्म ये पिछली जगहों पर गाँव में चल रहा है, शहरों में तो बहुत हद तक सही हो गया है कि लड़कियों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे कौन सी नौकरी करानी है, उनकी तो शादी में भी एक बार खर्चा करना है तो पढ़ाई का खर्चा रोक लिया जाए, इस तरीके की बात, ठीक है. फिर स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग एक्सेस एंड एनरोलमेंट, तो क्या किया जाए कि जो एक्सेस और एनरोलमेंट है स्टूडेंट का वो प्राइमरी एजुकेशन में बढ़ जाए, ऐसी कौन सी तकनीकें हो सकती हैं, स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. तो अरेंजिंग प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दूर भी है, वैसे अब तो आपको पता ही है कि आ गया है ये कि 1 किलोमीटर के रेडियस में बच्चे को स्कूल मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर दूर भी है तो हम वहाँ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी अगर अरेंज करा दें तो बच्चे के लिए सहूलियत हो जाएगी। स्टैब्लिशिंग द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उस एरिया में ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। क्रिएटिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वहाँ हमें पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट एडमिशन फैसिलिटी फॉर द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, वो बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए एज अप्रोप्रिएट एडमिशन फैसिलिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उनकी उम्र के अनुसार। स्टैब्लिशिंग रेजिडेंशियल एंड और मोबाइल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेरेवर रिक्वायर्ड, जहाँ जरूरत हो वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल खोल दिए जाए, मतलब बच्चा वहीं रह के पढ़ाई कर ले, या मोबाइल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब गतिशील है ना, उसकी जरूरत के हिसाब से इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। आपको पता है कि नवोदय विद्यालय जो है वो रेजिडेंशियल स्कूल हैं। फिर प्रोवाइडिंग अवेयरनेस एंड काउंसलिंग फॉर द पेरेंट्स रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन, यानी कि हम जो अभिभावक हैं उनकी काउंसलिंग करें, उनके संग अवेयरनेस कैंपेन करें कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है उनके बच्चे के लिए। मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट्स, प्राइमरी एजुकेशन तो फ्री ही कर दी गई है ना, तो जो सरकारी है तो हम एजुकेशन को अफोर्डेबल करें, मतलब कि अफोर्ड कर सके पेरेंट्स, उनको उनके लिए बर्डन सम ना रहे। ओपनिंग ऑल्टरनेटिव मोड्स टू फॉर्मल एजुकेशन लाइक डिस्टेंस एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ओपन एजुकेशन एटसेट्रा टू मीट द एजुकेशनल डिमांड्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हू कैन नॉट एंटर इनटू फॉर्मल एजुकेशन, जो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, कोई भी दिक्कत है उनके साथ, उनके लिए आप डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोविजन कर लीजिए, है ना, घर पर रहकर पढ़ाई कर सकें, कभी कभी स्कूल जाना हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत हो सकता है, ओपन एजुकेशन के तहत हो सकता है, वो बच्चों उन बच्चों के लिए जो फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। मेकिंग स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिसएडवांटेज्ड एरियाज लाइक रूरल एरियाज, स्लम एरियाज, बहुत पिछड़े ग्रामीण इलाके हैं, स्लम इलाके हैं, उनके लिए आपको स्पेशल प्रोविजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी शिक्षा के लिए। तो ये तो हो गया इनरोलमेंट, कि इनरोलमेंट क्यों कम है और इनरोलमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर इनरोल तो हो गया बच्चा, शिक्षा व्यवस्था में आ गया, उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन वो रिटेन करे ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। रिटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट इन एजुकेशन, रिटेन मतलब रुके, धारण कर सके वो विद्यालयी व्यवस्था को, विद्यालयी व्यवस्था उसको धारण कर सके। रिटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट इन एजुकेशन जनरली इम्प्लाइज ए कंडीशन और सिचुएशन इन विच द स्टूडेंट रिमेन्स या participates in a level of education or a course of learning in which she, मतलब she or he is admitted till she or he completes the level of education or course of learning, मतलब जिसमें उसने admission लिया है उसको वो complete करे, participate करे, ये है retention। If a child is admitted in elementary school and leaves the school before she or he completes her or his elementary education in the school, then she or he is treated as not retained till completion of her or his elementary education, मतलब कि बच्चे ने एडमिशन लिया एलिमेंट्री एजुकेशन में, लेकिन वो एलिमेंट्री एजुकेशन का पूरे कोर्स की पढ़ाई पूरा किए बिना ही अगर उसको छोड़ देता है तो माना जाएगा कि वो रिटेन नहीं हुआ सिस्टम में। जनरली रिटेंशन रेट इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए लेवल ऑफ एजुकेशन और ए कोर्स ऑफ लर्निंग, है ना। द इफिशियंसी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम इज अंडरस्टूड टू मेनी एक्सटेंट्स थ्रू द रिटेंशन ऑफ इट्स स्टूडेंट्स इन द सिस्टम, यानी किसी भी शिक्षा तंत्र की जो इफिशियंसी है, कितना वो प्रभावी है, उसको इसी से आंका जा सकता है कि बच्चा उसमें कितना रिटेन होता है। रिटेंशन इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाई ड्रॉप आउट इन वन एंड एंड प्रमोशन इन अनदर एंड, मतलब रिटेंशन किससे प्रभावित होगा कि बच्चा छोड़ ना दे, अगर ड्रॉप आउट नहीं होगा तो रिटेन कर लेगा, रिटेन कर लेगा तो वो अगले क्लास में प्रमोट हो जाएगा। तो अब जानना है कि ड्रॉप आउट क्या है, ड्रॉप आउट मतलब हमने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है। ड्रॉप आउट इन एजुकेशन, ड्रॉप आउट ऑफ ए स्टूडेंट इन एजुकेशन इम्प्लाइज टू ए सिचुएशन इन विच द स्टूडेंट लीव्स ए लेवल ऑफ स्टडी और कोर्स ऑफ लर्निंग, यानी बच्चे ने एडमिशन लिया लेकिन वो चूंकि रिटेन नहीं हुआ उसने ड्रॉप आउट कर दिया, पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया। तो ड्रॉप आउट क्या है, रिटेंशन का ऑपोजिट है, अगर बच्चा रुक जाएगा तो ड्रॉप आउट नहीं है, ड्रॉप आउट हो गया इसका मतलब रिटेन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ड्रॉप आउट और डिसकंटिन्यूएशन इन एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ वेस्टेज इन एजुकेशन, देखिए अभी आपसे वेस्टेज और स्टैग्नेशन पे भी बात करनी है। तो जो बच्चा ड्रॉप आउट कर लेता है तो एक तरीके से ये क्या है, अपव्यय हो रहा है शिक्षा में। क्यों, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि हमने मान के चला इतने बच्चे ने एडमिशन लिया तो उस हिसाब से हमने टीचर की भर्ती की है, उस हिसाब से इक्विपमेंट्स है वहाँ पे, और बच्चे ने अगर बीच में छोड़ दिया तो ये क्या है, बर्बादी है एक तरीके से। ड्रॉप आउट इज अ सीरियस कंसर्न इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में ये बहुत सीरियस कंसर्न है, मतलब ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करने की जरूरत है। इन एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन थ्रू दो द कंट्री फॉलोड नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर ए लॉन्ग टाइम बट द ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट रिड्यूस सेटिस्फैक्टरीली इन द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन,
जबकि ये कह दिया गया है कि किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, नो डिटेंशन पॉलिसी बहुत समय से चली आ रही है, उसके बावजूद ड्रॉप आउट रेट अभी तक विद्यमान है. देयर हैज बीन अ स्टेडी डिक्लाइन इन ड्रॉप आउट रेट्स इन प्राइमरी एजुकेशन सिंस 2009-10. लेकिन 2009-10 से देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी एजुकेशन में कम हुआ है. बिटवीन 2009 and 10, 2012 and 2013, द एनुअल एवरेज ड्रॉप आउट रेट इन प्राइमरी एजुकेशन डिक्लाइन फ्रॉम 9.1% टू 4.7%. यानी कि 9.1% से 2009-10 में था, 2012-13 तक ये 4.7% हो गया. थोड़ा पुराना डेटा है. द ड्रॉप आउट रेट दो डिक्लाइनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर स्टिल रिमेन्स ए मेजर चैलेंज. न्यूपा ने 2014 में स्टडी करके बताया कि ये घट रहा है, इसके बावजूद ये अभी हमारे लिए बड़ी चुनौती है शिक्षा व्यवस्था में, खासतौर से प्राइमरी एजुकेशन में. दी ड्रॉप और दी सेकेंडरी एजुकेशन की स्थिति और खराब है. द ड्रॉप आउट रेट इज वेरी हाई इन सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इन कंपैरिजन टू अदर स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. यानी कि जो माध्यमिक स्तर पर बच्चा एडमिशन लेता है वो माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी नहीं करता है, यानी कि 12th पास के बिना ही पढ़ाई छोड़ देता है. ये करीब 17% इसका परसेंटेज है, जो कि प्राइमरी में सिर्फ 4.7 है. तो ड्रॉप आउट इन एजुकेशन poses a threat to the education of the country. शिक्षा व्यवस्था जो सरकार देश की है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा खतरा है. इट क्रिएट्स द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एजुकेशन बाई लोअरिंग डाउन द रिटेंशन इन एजुकेशन. यानी कि रिटेंशन को ये कम कर देता है और ये एक खतरनाक स्थिति है शिक्षा व्यवस्था के लिए. ठीक है, फिर रीजंस ऑफ ड्रॉप आउट, क्यों छोड़ देता है बच्चा. पावर्टी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये तीन मुख्य इसके कारण है. यानी कि या तो गरीब है बहुत माँ बाप, या स्कूल उसके लिए उपलब्ध नहीं है, या स्कूल तक उसकी पहुंच नहीं है. व्हाइल इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रेजिंग एनरोलमेंट रेट्स, प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स हैव बीन लेस सक्सेसफुल एट प्रिवेंटिंग ड्रॉप आउट्स ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल लर्निंग फेज. मतलब कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारे स्कूल्स खुल गए हैं, इनरोलमेंट निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन स्टिल हम अभी ड्रॉप आउट को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए. According to data put out by the MHRD, Ministry of Human Resource Development, the national dropout rate at the primary level was 4.34% in 2014-15, and it was even higher at the secondary level at 17.86%. यानी 2014-15 का डेटा देखें तो प्राइमरी लेवल पर जो ड्रॉपआउट है वो 4.34% है, जबकि द्वितीयक स्तर पर ये 17.86% है. तो कौन डोमेस्टिक वर्क, घरेलू कार्यों में बच्चों को लिप्त करा देना, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक व्यवस्था का खराब होना, और रुचि का अभाव, नहीं पढ़ना लिखना है, मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, वर फाउंड टू बी द टॉप मोस्ट कॉज ऑफ डिसकंटिन्यूइंग एजुकेशन. बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ देता है. हाउ टू कंट्रोल स्टूडेंट ड्रॉप आउट, कैसे हम रोक सकते हैं स्टूडेंट को ड्रॉप आउट को. तो इट इज रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट कंडक्ट्स अवेयरनेस कैंप्स इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस टू एक्सपोज द हजार्ड्स ऑफ इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. सरकार को बहुत तरीके से या एनजीओस को भी अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए कस्बों में, शहरों में, जो ये बता सके कि निरक्षरता और बेरोजगारी की कितनी मुश्किल है, कितनी खराब स्थिति है. NEP 2020 has mentioned two initiatives that will be undertaken to curb the problem. राष्ट्रीय शिक्षा अभियान 2020 ने दो इनिशिएटिव दिए हैं कि कैसे हम ड्रॉपआउट को रोक सकते हैं. द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड इफिशियंट एंड सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल स्टूडेंट्स. यानी कि हम सभी विद्यार्थी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में हैं, स्कूल में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनको हम प्रभावी और सफिशियंट यानी कि कम ना पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सके. एंड द सेकंड इज टू सेट अप अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स. वो लेबरर जो माइग्रेंट हैं, जो एक जगह नहीं रुकते, जो जगह जगह घूम के काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए भी हमको कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कुछ नवाचार एजुकेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे उनके लिए, तो हम कुछ हद तक इसको रोक सकते हैं. These are vital steps to ensure that children have access to safe and engaging school education as well as bring back the ones out of school. यानी कि जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको हम वापस ला सकते हैं और जो हैं उनको रिटेन कर सकते हैं अगर हम इसको अपना लें तो. A dropout early warning system enables schools to identify students who are at risk of dropping out of school and to focus on individuals who struggles to perform well. मतलब एक dropout early warning system हमको education system में लाना पड़ेगा. यानी कि एक नज़र हम रखें कि कौन से बच्चे हैं जिनको बहुत दिक्कत हो रही पढ़ाई में या हमको लगता है कि वो छोड़ सकते हैं, तो हम उनको पहले ही retain कर लें, उन पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि वो ना छोड़ें, ना ड्रॉप आउट ना बने. Schools should practice innovative teaching methods to draw students towards education and spark interest in them. हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उनकी रुचि जो है वो पढ़ाई लिखाई में जागृत हो सके, है ना, वो उनका मन लगे. Digital learning strategies can be used to provide education in the confines of their homes. Students can access free educational content through smartphone applications or YouTube provided by different institutions.
यानी कि जो नहीं अपने घरों से निकल पा रहे हैं उनको हम डिजिटल लर्निंग के सोल्यूशन दे सकें। अब तो ऑनलाइन में सब कुछ उपलब्ध है, यूट्यूब पे उनको मैटर प्रोवाइड कराते हैं, स्मार्टफोन मुश्किल है, जिनके पास पैसा नहीं है एडमिशन नहीं ले पा रहा है वो यूट्यूब में कैसे दिखा कर, लेकिन कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। ये भी एक जिनके पास पैसा है लेकिन रुचि नहीं है उनके लिए कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, फिर बात करें यूनिवर्सल रिटेंशन की, तो हम चाहते क्या है कि जितने बच्चे इनरोल हों वो सब रिटेन, कोई भी ड्रॉप आउट ना बने। आफ्टर द इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज ओवर, इट इज एसेंशियल टू सी देयर प्रोग्रेस इन सक्सेसिव ईयर्स। जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो सक्सेसिव ईयर्स में आने वाले सालों में ये जरूरी है देखना कि वो कितनी उन्नति कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट सी दैट देयर इज नो स्टैग्नेशन इन द स्कूल, मतलब कि वो रुके ना, मतलब तो नो डिटेंशन पॉलिसी, हम किसी को रोकते नहीं है, फेल नहीं करते, लेकिन फिर भी स्टैग्नेट ना हो बच्चा। अगेन वी मस्ट सी दैट द चाइल्ड डज नॉट लीव द स्कूल, हमको ये भी देखना है कि अपनी पढ़ाई के प्रिस्क्राइब्ड कोर्स जिसमें उसने एडमिशन लिया उसको करे बिना वो क्लास स्कूल छोड़े नहीं, सो दैट देयर विल बी नो वेस्टेज इन एजुकेशन, जिससे कि शिक्षा में कोई अपव्यय ना हो। तो रिटेंशन के इश्यूज क्या है अगर ओवरऑल देखें तो, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, अगर आपके इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटी नहीं है तो इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट बढ़िया नहीं है तो, टीचर शॉर्टेज एंड एब्सेंटिज्म, टीचर नहीं है या आते नहीं है, करिकुलम लोड जिसकी बात अभी हम लोग कर चुके हैं, करिकुलम लोड है बच्चे पे, लर्निंग उसको बर्डन सब लगती है वो छोड़ देगा। लैक ऑफ पेरेंटल इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, अगर अभिभावक की रुचि नहीं है वो इन्वॉल्व नहीं होता है तो भी बच्चे की वो ड्रॉप आउट हो जाता है। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और पैसे का अभाव है, तो ड्यूरिंग द फेज ऑफ स्कूल एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स व्हिच डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फैकल्टीज, यानी कि अगर प्राइमरी एजुकेशन बच्चे ने नहीं ली है तो ये बहुत बड़ा उसके लिए हर्डल है कि आगे जाके उसकी सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सभी जो उसका सब विकास बढ़िया से हो सके, उसके लिए जरूरी है कि वो प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करे। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इन रीसेंट डिकेड्स इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन एक्सेस टू स्कूलिंग एंड एनरोलमेंट रेट्स इन प्राइमरी एजुकेशन, बट ड्रॉपआउट रेट्स एंड लो लेवल्स ऑफ लर्निंग रिमेन चैलेंजेस फॉर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत तरक्की हमने कर ली, हमने बहुत निश्चित रूप से एक्सेस बढ़ा ली है स्कूलिंग के लिए, एनरोलमेंट रेट बढ़ गया है, बट जो राज्य सरकारें हैं और केंद्रीय सरकार है उसके लिए ये चैलेंज है कि अभी भी लो लेवल ऑफ लर्निंग है, यानी कि जो बच्चा रिटेन भी कर रहा है उसका अचीवमेंट नहीं है या वो रिटेन नहीं करता है और ड्रॉप आउट हो जाता है। With enrollment reaching at least 96% since 2009, यानी कि 2009 के बाद जो नामांकन है वो 96% तक हो गया है। And girls, जिसमें आप जानते हैं कि RTE का बहुत बड़ा रोल है, right to education. And girls making up 56% of new students between 2007 and 13. और 2007 से लेके 2013 के बीच में 56% नई जो एडमिशन हुए उनमें लड़कियां हैं। It is clear that many problems of access to schooling have been addressed. इसे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं तक हम पहुंच गए हैं, हमने उनका समाधान कर लिया है। Some of the issues which need to be understood and worked on to improve the overall situation of the primary education in India are. लेकिन कुछ issues, कुछ मुद्दे ऐसे हैं अभी भी जिन पर काम करने की जरूरत है, जिससे हम पूरी तरीके से universal retention की स्थिति को पा लें। कौन कौन से, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि अब तो टेक्नोलॉजी का इनपुट आ गया है तो उसके ऑप्टिमाइजेशन से जो रही सही दिक्कत है वो हम दूर कर सकते हैं। अपग्रेडिंग टीचर्स, टीचर को अपग्रेड करके हम बच्चे की रुचि को जागृत कर सकते हैं। बिल्डिंग गुड असेसमेंट सिस्टम, बढ़िया हम इस तरीके का असेसमेंट सिस्टम बनाएं जिससे कि बच्चे का ओवरऑल असेसमेंट हो सके, और जेंडर स्टडीज को भी हम एजुकेशन का हिस्सा बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम ऑफ इनरोलमेंट, नामांकन बच्चे का हो, फिर वो रिटेन हो शिक्षा व्यवस्था में और ड्रॉप आउट ना हो, ये जो है वो प्राइमरी एजुकेशन की बहुत भीषण समस्याएं हैं, और उनके स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशंस पर भी बात करनी है। ठीक है, तो आई हैव कंप्लीटेड वन मोर टॉपिक इन प्राइमरी एजुकेशन। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।